इंडियन आर्मी के प्रथम फील्ड मार्शल सैम मानिक शाह ने एक बात कही। उन्होंने कहा था, अगर कोई व्यक्ति ये कह दे कि उसे मौत से डर नहीं लगता, या तो व्यक्ति झूठ बोल रहा है या तो वो व्यक्ति एक गोरखा। इस बात को सही साबित किया वीर गोरखा सिपाही दीपप्रसाद पुन ने। इन्होंने अकेले ही 30 तालिबानियों को मौत के घाट उतार दिया था। बात है सितंबर 2010 की, जब ये वीर गोरखा सिपाही दीपप्रसाद पुन अफगानिस्तान में अपनी चौकी पर तैनात था। चौकी के कुछ दूर पर मौजूद दूसरी सड़क पर कुछ लोग विस्फोटक लगा रहे थे। इस वीर गोरखा सिपाही को यह बात समझने में देर नहीं लगी कि ये चारों तरफ से घिर चुके हैं, और उस दौरान तालिबानियों ने पूरी योजना के साथ चौकी पर हमला किया था। उस रात दोनों तरफ से गोलियों, रॉकेट, प्रोपेल्ड ग्रेनेड से हमला जारी रहा, लेकिन वीर गोरखा सिपाही दीपप्रसाद पुन पूरे जोश, पूरी ताकत, पूरी आक्रामकता के साथ उन्होंने अपनी मशीन गन उठाई, ट्राइपॉड लगाया और जोरदार गोलियों की बौछार उन्होंने शुरू कर दी थी। इतना ही नहीं, गोरखा दीपप्रसाद पुन लगातार जवाबी कार्रवाई करते हुए 17 ग्रेनेड से उन पर उन्होंने हमला किया, और ग्रेनेड खत्म होने पर ASA 80 सर्विस राइफल से लगातार गोलियों की उन्होंने बौछार भी की। दीपप्रसाद पुन ने तालिबानियों पर लैंडमाइन भी फेंके, और इस दौरान उन्होंने कुल 400 राउंड फायरिंग भी की। 6 फास्फोरस ग्रेनेड, 6 नॉर्मल ग्रेनेड, 1 कैलेमोर माइन भी फेंकी। अपनी असाधारण बहादुरी, क्षमता, निडरता, वीरता से वो तब तक लड़ते रहे, तब तक वो लड़ाई में डटे रहे जब तक कि अतिरिक्त सेना चौकी पर उनकी मदद ले नहीं पहुंची, और जब तक अतिरिक्त सेना चौकी पर उनकी मदद के लिए पहुंचती तब तक उन्होंने 30 तालिबानी लड़ाकुओं को मौत के घाट उतार दिया था। इनफैक्ट ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ द्वितीय ने उनकी इस बहादुरी पर बकिंगम पैलेस में एक समारोह के दौरान उन्हें कॉन्स्पिक्यूअस गैलेंट्री क्रॉस पुरस्कार से भी सम्मानित किया। और इस समारोह में दीपप्रसाद पुन ने बताया कि उस वक्त वो बिल्कुल भी निराश नहीं हुए, क्योंकि उनको पता था कि उनके पास लड़ने के सिवा उस वक्त और कोई विकल्प और कोई ऑप्शन नहीं था। उन्होंने यह भी बताया कि तालिबानियों ने चारों ओर से चेक पॉइंट पर उन्हें घेर लिया था, वो चारों तरफ से घिरे हुए थे, वे उस वक्त अकेले थे, उनको मालूम था कि आज उनका मरना तय है, लेकिन उन्होंने ये बात सोचा हुआ था कि जितना हो सकेगा मारूंगा और मार कर ही मैं मरूंगा। अपना अनुभव साझा करते हुए दीपप्रसाद पुन ने बताया कि उस वक्त एक तालिबानी लड़ाकू गार्ड हाउस से सटे टावर पर चढ़ने की कोशिश कर रहा था, और इन्होंने कहा कि मुझे उसको जमीन पर गिराना था, मैं उस काम पर सफल भी हो गया, इन्होंने उस पर सफलता भी हासिल कर ली थी, लेकिन उस वक्त इनका जो हथियार था वो उन्हें धोखा दे दिया, गोलियां चली नहीं, तो दीपप्रसाद पुन ने अपनी मशीन गन का ट्राइपॉड लेकर उस तालिबानी लड़ाकू के चेहरे पर दे मारा, जिससे कि वो बिल्डिंग से सीधा जमीन पर गिर गया। दीपप्रसाद पुन का पूरा परिवार गोरखा रेजिमेंट को अपनी सेवा दे चुका है। इनके पिताजी भी गोरखा राइफल्स में थे, इनफैक्ट इनके दादाजी द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान बर्मा थिएटर में अपनी बहादुरी के लिए इन्हें विक्टोरिया क्रॉस से भी सम्मानित किया जा चुका है। डियर फ्रेंड्स, गोरखाओं ने सिर्फ नेपाल के अंदर अपना लोहा नहीं मनवाया, आज पूरे विश्व में इन लोगों ने अपना लोहा मनवाया है। अगर आज नेपाल से युद्ध ना करने का कोई एक विशेष कारण है किसी देश के लिए, तो नेपाल के गोरखा है। कहा जाता है कि अगर गोरखा अपनी कुकरी निकाल ले तो दुश्मन का सर काटे बिना, खून बहाए बिना कुकरी को वापस म्यान में नहीं रखते, और आज गोरखा सिर्फ नेपाल आर्मी के अंदर अपनी सेवा नहीं दे रहे, ब्रिटिश आर्मी, इंडियन आर्मी के अंदर भी इनका बहुत बड़ा योगदान है। आज हमारी भारत की, आज हमारी जो इंडियन आर्मी, उसके अंदर भी गोरखा सिपाहियों का बहुत ज्यादा योगदान है। धन्य है वो माए जिन्होंने इन गोरखा सिपाहियों को जन्म दिया, इन वीर योद्धाओं को जन्म दिया। डियर फ्रेंड्स, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो इसको ज्यादा से ज्यादा देखिएगा, शेयर करिएगा और लाइक करना मत भूलिएगा, और हाँ भाई, सब्सक्राइब जरूर कर देना और अपने कमेंट्स जरूर करना। आपको मालूम है कि आपके कमेंट्स मेरे लिए इंपॉर्टेंट है। मुझे इतने धैर्यपूर्वक और इतने अच्छे से सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।